डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो साडे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश देते कि पर्चे दर्ज करो, कर दो जी पर्चे दर्ज। फिर कोई गल नहीं, पिछली बारी माननीय मुख्यमंत्री जी तुसी कहा सी 2500 रुपया पर एकड़ देवांगे, पराली ला सारे असी कहा जी ठीक है, भावे साडा नुकसान वधदा है असी 2500 वाली साड़ लांगे। बाद दे विच अगलियां मीटिंगां च भज्जी सरकार इस गल तों कि असी 2500 नहीं दे सकदे, ते ऐतकी फिर देता 2500 दिते तां ऐतकी भी नहीं। रावण दे पुतले पूरे भारत दे विच लगभग 12 लाख पुतला फूकिया गया और जिन्ना रुपया खर्च होया वखरा, जेड़ा उन्हें प्रदूषण किया वखरा। आ लुधियाने शहर दे विच कल्ले लुधियाने शहर च एक पुतले की मैनूं रिपोर्ट मिली है 24 लाख रुपये का पुतला बना के फूकिया गया। और जेड़ा दिल्ली है, कल्ली दिल्ली जेड़ी अज प्रदूषण करता की दवाई फिरती है, इसे दिल्ली दे विच 650 पुतला फूकिया गया। उदों तो दिल्ली सरकार नूं नहीं दिसिया कि यह प्रदूषण हो रहा है, किसान नूं सजा देना यह किते भी कतई उचित नहीं और यह बिल्कुल बर्दाश्त बहुत वड्डा बवाल बनिया होया है। सारे चैनलों ते गल बहुत चल रही है और दुहाई मचाई जा रही है प्रशासन वालों ते सरकार वालों, ते बहुत सारे साडे पत्रकार वीर भी उस गल नूं इह कह रहे ने कि की उस अफसर नूं उहदे कोलों पराली नूं अग लवाउणा वाजब है। देखो पहली तां गल इह कि जिहड़ा फार्मर है, फार्मर दीआं परिस्थितियां उहदी स्थिति नूं अगर समझोगे नहीं तां फिर तां सारा कुछ ही मतलब नजायज़ है। अगर उहदी परिस्थिति नूं समझ लोगे तां तुहाडे मूंहों अपने आप इह गल निकलेगी कि फार्मर नूं क्यों नहीं सुनिया जा रहा। सवाल यह है कि उत्थे इस गल का रौला पिया है कि किसान ने पराली नूं अग लाई है, प्रशासन पराली नूं अग लगी नूं बुझाउण गया है, यह रौला पिया क्यों, किसान ने अग लाई क्यों। यह मैं दसना चाहूंगा इत्थे कि पिछले दिनों च अठ वार डिप्टी कमिश्नर बठिंडा नूं साडी बठिंडे की टीम ने जाके बार बार रिक्वेस्ट की है कि सर बेलर मशीना दिओ, झोना वड्या गया, रीपर वज्या पिया ताकि फटाफट उन्हें कट्ठा करके समय सिर कणक बिजाई हो जाए। हुण इह क्यों, इह काल क्यों सी, इह जिहड़े बहुत सारे जिवें साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी कहिंदे मैं भी जट्टां दा पुत हां, लेकिन इह पता होना चाहीदा है कि कणक दी बजांद जिद्दे झोना कट्टिया गया ते उस तों बाद अगर 15 नवंबर दे विच तक कणक की बजांद होगी तो कणक झाड़ देगी, अगर 15 नवंबर तो लेट होगी तो हर हफ्ते 1.5 क्विंटल झाड़ घटेगा तुहाडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है। अगर यह होंदा है तो फिर किसान नूं काल है कि फटाफट मेरी कणक बीजी जाए। अगली समस्या को होर भी है कि जदों खेत दे विच्चों पराली कट्ठी होगी उस तों बाद जां रीपर वज गया झोना कट्टिया गया उस तों बाद खेत दे विच धुप सीधी पैनी है, उहदी सिल खत्म होनी है, उहदी रौनी दी वत्तर खत्म होनी है। इस कारण किसान दी मजबूरी हुंदी है कि फटाफट हुण इत्थों सारा कुछ चक्किया जाए और वत्तर इसे वत्तर दे विच फटाफट मैं आदि कणक बीज लां, अगर वह वत्तर मैथों ना संभाली गई तो फिर अगे कणक ने उगरना नहीं। आ समस्यावां ने किसान दे सामने और मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब बठिंडा नूं 8 वार कहण दे बावजूद जिला खेतीबाड़ी अफसर बठिंडा दे बार दे धरना दे अगे मंग पत्र देने दे बावजूद किसानां नूं मशीनां प्रोवाइड नहीं करवाईआं गईआं। हुण दसो किसान की करनगे। अगली गल इक होर भी है, सरकार इह कहिंदी है कि भाई असीं तां नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे फैसले नूं मतलब लागू करदे आं। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि पोल्यूशन हुंदा है, इह पोल्यूशन रोकणा, किसान अग लाउंदे ने। उह भाई नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहिबानां नूं पहलां भी कहा, साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी नूं भी कहना चाहुणा कि श्रीमान जी नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दा फैसला तां पढ़ लो पहलां। फैसले च लिखिया की आ, फैसले च लिखिया है कि जिहड़े बिल्कुल छोटे किसान ने उन्हां नूं फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनरी प्रोवाइड करवाउणी है, इक गल। नंबर दो अगली गल इह कही है कि जिहड़े 5 एकड़ तक दे किसान ने उन्हां नूं 2500 रुपया पर एकड़ इनसेंटिव दे रूप दे विच सरकार देगी। अगर फिर भी किसान पराली नूं अग लाउंदा इस मदद लैण तों बाद तां फिर उस किसान दे उत्ते जुर्माना कीता जा सकदा है। इह गल कही है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल च।
और की किसानां नूं तुसीं उन्हां किसानां नूं 2500 रुपया देता नहीं दिता गया। अगली गल फिर मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क्विंटल मगर 100 रुपया इंसेंटिव देवे सरकार, और पंजाब लई भी सी हुक्म, हरियाणे लई भी सी, यूपी लई भी सी, लेकिन वह किसी सरकार ने लागू नहीं किया। सरकार ने कहता जी नहीं साडे कोले तां है नहीं। जे सरकार कोले किसान नूं देण लई कुछ नहीं, तुसीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानां दे पक्ष च आया वह नहीं लागू किया, जिहड़ा फैसला नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जिन्ना हिस्सा किसान दे हक च है वह नहीं लागू किया, तां फिर वह अफसरां दा उत्थे जाके अग लाउण वाले किसानां नूं सजा देना ते उन्हां दे उत्ते उन्हां नूं दबके मारना, यह जायज है कि यह वाजब है? अगली गल हुण इन्हां हालातां दे विच जिहड़े किसानां नूं जदों नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे दित्ता फैसला नहीं लागू किया, उहदे वल्लों दित्ता गया हक नहीं मिलिया, सुप्रीम कोर्ट वल्लों दित्ता गया हक नहीं मिलिया, उस वेले पर किसान जे किसी अफसर नूं अगों कहन, वैसे असीं इहनूं जस्टिफाई नहीं करदे, साडी जथेबंदी इह नहीं कहिंदी कि किसी की भी बेइज्जती करो, किसी नूं भी माड़ा बोलो, असीं इह गल नहीं कहिंदे, लेकिन जे गुस्से च आए ने किसी ने कहता तां फिर इहदा मतलब उस अफसर की तां बहुत वड्डी इज्जत है, लेकिन वह किसान की कोई इज्जत नहीं जिन्हों दिता कुछ नहीं तो परचा दर्ज करने की तैयारी कर ली। आ एक पता लग्या मैनूं अज SDM लुधियाने दे विच किसी SDM ने चक्के किसान नूं फड़ के अंदर किया है, उन्हें कहदे लई किया कि SDM ने मशीनरी प्रोवाइड करवाती, लुधियाने डिस्ट्रिक्ट की साडी टीम ने जाके SDM नूं लभण की कोशिश की कि श्रीमान जी आ सानूं मशीनरी प्रोवाइड कराओ, अज 5 दिन हो गए रीपर मारे पए नूं SDM नहीं मिल रहे, 3 दिन हो गए SDM नूं भालदे फिरदे, SDM दे नाल मिलाप नहीं हो रहा। अगली गल उस अज शनिवार आ गया, कल नूं एतवार आ, 2 दिन होर नहीं मिलना किसी ने, की किन्ना चिर वेट करूगा जी किसान, भेजन ना अफसर उत्थे उन्हां दी इन्हां नूं वेलर मशीनां भेजन नाल दी इन्हां दे खेतां चों पराली चक लैण। जेकर नहीं हो रहा तो ना तुसीं कोई किसान की आर्थिक मदद की है, फिर यार फिर धक्केशाही किन्ना चिर किसान मतलब बर्दाश्त करूगा? इस धक्केशाही दे मारे हुए लोग, दुखी हुए लोग अफसरां नाल अगों 2-4 हथ कर रहे ने, उहदे करके झगड़ा हो रहा है, और वह झगड़े नूं किसान ते थोपना बिल्कुल गलत है। मैं होर 2-4 गल्लां करनियां चाहुंदा, मैनूं ऐ दस्सो कि तुसीं सरकार इह कहिंदी आ बड़ा हर डिबेट दे विच रोज़ इह रौला पाउंदी है, असीं जी 16,000 मशीनां देतियां, जिहड़ियां 16,000 मशीनां ने मन लिया सुपर सीडर होण सारे, ते सारे ही चालू हालत च होण, सारे वधिया चलदे होण हजे, क्योंकि एक तां इह वी क्लीयर है ना कि तुसीं कल्ली ऐ सरकार ने नहीं दित्ता, यह पिछलियां सरकारां तों लैके लंबे समय तों जिहड़ा दित्ता अज तक टोटल वह 16,000 है। अगर वह 16,000 है तो उहदे चों पता नहीं किन्ने कम करन दी स्थिति च नहीं रहे होणे, पर मन लिया सारे ही करदे आ। एक सुपर सीडर श्रीमान मानयोग मुख्यमंत्री जी डिप्टी कमिश्नर साहिबाना नूं मैं बेनती करदा, एक जिहड़ा सुपर सीडर है वह रोजाना 6 तों लैके 6.5 एकड़ कणक की बजाद करता है जी। हुण जे एक सुपर सीडर ने 6 किले कणक बीजी तो 16,000 सारे दे सारे सुपर सीडर होण, तवियां भी ना होण, सारे सुपर सीडर ही होण, सारे चलते होण, तो फिर किन्नी बीजी जाऊगी जी रोजाना 96,000 एकड़, तो टोटल पंजाब का रकबा किन्ना है? 34 लाख हेक्टेयर रकबा है जी, 34 लाख हेक्टेयर, 88 दिनों के बच्चे सारी कणक बीजी दी है, तो किसान को दिन किन्ने हैं? सिर्फ 11। सो इन्हां हालातों नूं समझे बिना किसान नूं सजा देना यह किते भी कतई उचित नहीं, और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होएगी गल ये कि मतलब दे तेरे दी किसान किसान ने दा, जिहड़ा मैं पोल्यूशन की भी गल कर दिया, बहुत सारे बंदियां नूं शायद भुलेखा होवे भी किसान पोल्यूशन करी जांदे आ, किसान पोल्यूशन करी जांदे आ, किसान का टोटल पोल्यूशन आ जिहड़ा वह किन्ना है जी? केवल 6% जिहड़ी मशीनरी पोल्यूशन करती है, जिहड़ी इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है, वह कुल मिला के 58% है। किन्नियां कि मशीन किन्नी मशीनरी रोकती, किन्नियां कि फैक्ट्रियां बंद करती, किन्नियां के खिलाफ कार्रवाई करती पोल्यूशन करने वाले ने, और किसान बेचारे के उत्ते मतलब डांग मतलब ठाई हुई है भी किसान अग नहीं लाने देनी, किसान अग, किसान ने अग लाती, किसान ने अग लाती, जिहड़ा एक टाइम च बजिया हुआ है झोना कट्टन तो लैके कणक बीजन तक 15 नवंबर तक किसान को टाइम बाउंड है, उन्हें उन्ने टाइम के सारे काम करने आपके,
इसलिए किसान दी मजबूरियां है, मजबूरियां भी समझो ना। असि सरकार नूं पिछली बार भी हथ जोड़ के बेनती की, पिछे भी असि एक सरकार नूं मंग पत्र दिता है जिदे च अपील की सी कि सिर्फ सानू लाइना साड़ लैन दो, अगर लाइना लाइना सड़दियां है तो पोल्यूशन हुंदा ही नहीं और वह पोल्यूशन तो भी खेड़ा छुड़दा है तो किसान भी आपके खेत के कर लेगा। सो इस करके एक किसान नूं सजा देनी, पता लग्या बठिंडे दे विच किसानां दे उत्ते बठिंडे दे डिप्टी कमिश्नर साहब ने ते साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश देते कि परचे दर्ज करो, कर दिओ जी परचे दर्ज, फिर कोई गल नहीं लड़ाई लड़ांगे। सानू किते भी सानू इंसाफ ना मिले, सानू साडे हक च कीता गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू ना होवे, साडे हक च कही गई गल नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दी साडे लई लागू ना होवे, ते साडे ते मुकदमे दर्ज करन कीते जाण, ये बर्दाश्त तो बाहर दीआं गल्लां ने। मजबूरी बनेगी सड़कां ते आवांगे, किसान की मदद करांगे जिहड़े किसान गिरफ्तार किए ने। और इत्थों वाले मैं फिर दोबारा प्रशासन नूं बेनती करा तुरंत उन्हां किसानां तों मुकदमे वापस लैके वह जिहड़े गिरफ्तार किए आ किसान साडा बठिंडे तों जां जिहड़े किसान इत्थों गिरफ्तार किए ने लुधियाणे तों, सारे किसानां नूं गिरफ्तार कीतिआं नूं रिहा करे सरकार। और अगे तों मदद सरकार नहीं किसान की कर रही, कहना यह गल कि किसानों के मुकदमे पाओ। मैं नाल ध्यान दो आजा सरकार का, पिछली बारी मानयोग मुख्यमंत्री जी तुसी कहा सी 2500 रुपया पर एकड़ देवांगे, पराली ना साड़ियो, असी कहा जी ठीक है भावे साडा नुकसान वधदा है असी 2500 नाल ही साड़ लांगे। बाद दे विच अगलियां मीटिंगां च भज्जी सरकार इस गल तों कि असी 2500 नहीं दे सकते, ऐतकी फिर देता 2500 दिते तो ऐतकी भी नहीं। किसान की मदद नहीं करनी किसी ने और किसान का गल घुटना। मैं नाल एक होर ध्यान च लियानी चाहना गल, पिछले दिनों के भावें धार्मिक मसला है, असी किसी के धार्मिक मुद्दे मतलब हिट नहीं करते गए, वह दिन मनाना चाहिए लेकिन होर बड़े तरीके है। रावण के पुतले पूरे भारत के लगभग 12 लाख पुतला फूकया गया और जिन्ना रुपया खर्च हो वखरा, जिहड़ा उन्हें पोल्यूशन किया वखरा। आ लुधियाने शहर दे विच कल्ले लुधियाने शहर च एक पुतले की मैनूं रिपोर्ट मिली है 24 लाख रुपये का पुतला बना के फूकया गया। और जिहड़ा दिल्ली है कल्ली दिल्ली जिहड़ी अज पोल्यूशन करता की दवाई पिटदी है, इसे दिल्ली दे विच 650 पुतला फूकया गया। उदों तां दिल्ली सरकार नूं नहीं दिसिया कि यह पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन किसान ते डांग उठ रही है। किसान गैर संगठित है, गैर संगठन का लाभ लिया जा रहा है, यह बिल्कुल धक्केशाही है। अगर साडे किसानां नूं रिहा ना कीता तां मजबूरी बस सानू साडे किसानां दी मदद दे लई थाणियां दा घराओ करना पएगा, सानू साडे किसानां नूं रिहा कराउण दे लई सड़कां ते उतरना पएगा। इहदे ते अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान हुंदा है तां जिम्मेवार पंजाब सरकार होएगी। सो मेरी इन्नी क बेनती है, किसान वीरां नूं मैं हथ जोड़ के बेनती करदा, भरावो देखो जिहड़े अफसर ने, इह जिहड़े छोटे अफसर ने, अपना परिवार है, अपने परिवारां चों गए ने, इहनां नाल जिहड़ा बिहेवियर है वह माड़ा ना करो। ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इन्नी गलती तुसी भी कंट्रोल करो अपने आप से। लेकिन दूसरी गल मैं भी कहनी चाहना कि जेडे अग लाउणी आप प्लीज लाइना नूं अग लाउण की कोशिश करो, रीपर मार के अग ना लाओ। अगली गल जे कितें सड़क दे उत्ते आ तुसी, हाथ जोड़ के बेनती असी सनिमर बेनती करदे आ किसान भरावां नूं कि तुसी साडे हो असी तुहाडे आ, साडी इन्नी मिन्नत मन लो कि सड़क का रुख हवा का रुख वेख के अग लाओ ता कि सड़क के उत्ते धुआं ना आवे। बहुत कीमती जाना ने, अगर कोई जान चली जाती है वह फिर सानू सारयां नूं असी उस परिवार के लिए उस परिवार के सामने खड़न दे योग नहीं रहिंदे जदों किसी नाल इह घटना वापरदी है। सो इस करके किसी का नुकसान ना हो, इन्हां गल्लां का विचार रखो। मेरी बहुत बहुत सारे वीरां नूं हथ जोड़ के बेनती है इन्हां गल्लां का गौर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।